पुलिस ने सर मौके दे के पुलिस अफसर ने कोई गोली नहीं मारी उन्होंने मौके दे फड़ के लै के मौके दे मार देंगे अभी उन्होंने फड़ के की करना इतने प्रशासन अगर बेनती करते हुए मार दे नहीं तो शहर के भावें लंबे पैना पर ही पवेंगे उन्होंने मारन मौके पिछले कल एक गल जी कही है गुरदासपुर प्रेस कॉन्फ्रेंस पिछले कल मैं कही है कि जोड़ा कैंसर अमृतपाल नाँ का पंजाब दे विच आया कि सरकार नूं जल्द तो जल्द इस कैंसर को कटना चाहिए लेकिन अज साबित हो गया कि वाकई ही जी सरकार है खालिस्तानी की सरकार है ये कोई भी हिंदू मेजोरिटी का बंदा सेफ नहीं है क्योंकि आंदे ही पहले हिंदू मेजोरिटी के बड़े उच्चे पद्धर से इन्होंने लोगों ने सिक्योरिटियां वापस कीतियां सोशल मीडिया के माध्यम से रौला पैंदा जी हिंदू संगठन जो कुछ करते सिक्योरिटियां वध करते हैं लेकिन अज इस सरकार के मनसूबे जोड़े है वह पता लग गया वाकई ही पता लग गया भी सरकार कि फंडिंग बनी है कि पैसे नाल सरकार चुनाव पंजाब लड़िया क्योंकि इस सरकार का कोई सिस्टम जोड़ा अज तक किसी को समझ नहीं आ रहा ना तो पंजाब स्टेट गौरमेंट दी कोई एजेंसियां जिहड़ियां इहदे ते कोई अपनी प्रतिक्रिया दे रही सरकारां दे रही सरकारां दे प्रवक्ता पांच पांच डिबेटां दे जरूर बैंदे ने अगर कोई हिंदू मजोरिटी का कोई बंदा गलत बोलता 295 इहदा परचा दर्ज हो जांदा एक बंदा 3 महीने तो 4 महीने तो लगातार पंजाब दे विच खालिस्तान की गल कर रहा एक खास समुदाय क्रिश्चनां दे उपर अटैक करने की गल कर रहा हिंदू समाज को टारगेट कर रहा तो देखो दुर्भाग्यपूर्ण गल है भी कि दुर्भाग्य है भी एक नूं छूट है अगर हिंदू समाज के कोई बोले तो वो तो 295 का परचा सारिया गलों की एक गल भी अज पंजाब का हिंदू समाज जिहड़ा वो अपने आप को ठगिया ठगिया महसूस कर रहा हिंदू पंजाब च सेफ नहीं है 84 का दौर दौरान की बहुत उच्ची साजिश जिहड़ी है जिहड़े लोगों ने रची सी वह कामयाब होंदी नज़र आ रही है क्योंकि जो पुलिस का रवैया जां जे सरकार अगर ये संवेदनशील है पंजाब की अमन शांति वास्ते तो क्यों नहीं पुलिस के हाथ खोल रही पुलिस के हाथ क्यों नहीं खोल रही सीधा जो मतलब है कि पुलिस के हाथ बन्ने पे ने इन्होंने पिछले 5-7 साल तो लगातार हिंदू पंजाब दे विच टारगेट होया बाकी मजोरिटियां सेफ ने हिंदू टारगेट हो रहा अगर कोई हिंदू बोलता कुछ लोग पंजाब की इस धरती गुरियां की इस धरती अपना जन्म सिद्ध अधिकार समझ रहे हैं उन्होंने लोगों की सोच है भी हिंदुओं का इस पंजाब की धरती का कोई हक नहीं लड़ाई इस चीज़ की हैगी है लोग चाहते रहे जो फेल सरकार की एजेंसियां का अगर पंजाब इंटैलीजेंसी के दफ्तर के हेडक्वार्टर के उपर राकेट लॉन्चर हमला हो सकता तो असं तुम किस भाग दी मूलियां गए तो देखो सुधीर सूरी जी की हत्या हो गई है ये साढ़े सारे समाज लई पंजाब लई बहुत बड़े अफसोस है दुख है एक व्यक्ति जिहड़ा समाज नूं किसी भी दिशा च लीड कर रहा है उहदा इस तरह मारे जाना बहुत अफसोसी गल है और मैं तो पंजाब गवर्नमेंट नहीं कहांगी कि चाहे वह आतंकवाद के नाते है चाहे गैंगस्टरां दे नाते है जिहड़े भी लोग समाज के विरोधी है पंजाब की शांति नूं अग लाना चाहते है उन्हां नूं सख्ती नाल नकेल पावे और किसी भी कम से लापरवाही ना करे हूँ तुम देखो साड़ी गल वैसे अज सुनते कोई नहीं हूँ एक ज्ञानी ने करवा चौथ के विरुद्ध कितना बोलिया असी दित्ती एप्लीकेशन
कि भी ये केस दर्ज करो 295 ए भी लाओ। वह कोई जवाब नहीं है कमिश्नर वालों, डी जी पी वालों कोई जवाब नहीं है। और इस करके जोड़े साढ़े समाज के हिंदू मसले है उन्होंने सरकार प्रशासन पुलिस जो करना चाहिए प्रभावी काम नहीं कर रही है, तो वह होना चाहिए। नहीं तो जिदा अच्छ सुधीर चले गए कल किसी और बारी होगी। हूँ अश्लील जी महाराज इन्होंने कि धमकियां आई हैं और सारे में लिखे डी जी पी समेत लिखे, लेकिन किसी के कन से जू नहीं रेंग रही। एक बुरी गल है, समाज के हित च नहीं है। देखो रवैया मैं तो तुम दसता है कि असी दुर्गाना कमेटी ने लिख के दिता है तो वह कोई जवाब ही नहीं है। तो जे एक पिंड के दो मुंडे ने ज्ञानी दे अपशब्द वरते उन्होंने फड़ के ठुडे मार के जमीन पर कुट कुट के जेल पहुँचाता है, अंतर इतों पता लग सकता है, इतों पता लग सकता है साढ़े लिए की है। माहौल खराब करने की कोशिश की जा रही, हाले माहौल खराब इस वे नहीं हो सकता। भावें गैंगस्टर या आतंकवादी जो मर्जी करन, पंजाब की जनता मुड़ के काले दिन नहीं वेखना चाहती, नहीं लियाना चाहती। और मैं उम्मीद है कि पंजाब की समझदार जनता या कुछ गुंडे समाज विरोधियों के भड़का विच नहीं आएगी। पर जिहड़ा समाज नूं अफसोस है सुधीर सूरी जी की जिस तरह हत्या हुई है, मृत्यु हुई है, वह दुखी तो सारे ही है। उम्मीद रखते हैं कि समाज के लोग संभाल लेंगे और प्रशासन की नींद जिहड़ी है ना कुंभ करन वाली खुल जाएगी। मेरी जानकारी हाले तक नहीं है, ना मैंने किसी ने दस्या नहीं, जो दिती है तो होएगा ही पर मेरी जानकारी नहीं है। सर आप गोपाल मंदिर के एरिए बाबा सुधीर सूरी जी ने आप धरना ला के सारे संगठन बैठे थे, कोई खालिस्तानी एक अलग आ के सिर्फ एक सुधीर कुमार सूरी जी को टारगेट करके परसनल गोलियां मारियां। उन्होंने 5 फायर किए हैं जिहड़ा सिर ते सिर सुधीर कुमार सूरी जी को लगे है। उत्थे मौके पर एस एच ओ ACP साहब सारे सिगे, बट किसी ने भी कोई जवाबी फायर नहीं दिता, ना कोई कानूनी कार्रवाई की। सारे बंदे सिविल बंद ने उस बंदे फड़ाया वा टैक्शन रोज रोज कह रहे बाबा जी कि उन्होंने खतरा है, उन्होंने खतरा है, उन्होंने खतरा है, बट पुलिस सिर्फ तो सिर्फ नाकामी दे सेवा कोई काम नहीं कर रही थी। कोई पुलिस प्रोटैक्शन नहीं बधाई गई, आदा कि जिहड़ी प्रोटैक्शन दी भी गई उन्होंने भी कोई जवाबी फायर नहीं दिता। गोपाल मंदिर के एरिए उस बंदे की दुकान है जिहड़ा बंदा गोलियां मार के गया वा, पिस्टल नाल गोलियां मारियां सारे दे सामने उन्होंने। नहीं सर समझ इहो ही आंदा वा कि खालिस्तानी कुत्ता वा। पर पुलिस दी एड्डी वड्डी गल जण तुसीं इहनूं की समझदे हो? पुलिस दी नाकामी है जी, सारी पुलिस दी ਹੁੰਦਿਆ ਸਭ ਕੁਝ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਹੋਏ। ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੁਰੀਓ ਥ੍ਰੈਡ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਗਈ। ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਉਲਟੀ ਘਟਾਈ ਗਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਧਾਈ ਨਹੀਂ ਗਈ ਸੁਰੱਖਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਸਿਰਫ ਨਾਕਾਮੀ ਦੇ ਸਿਵਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਪੁਲਿਸ ਮੁੱਖ ਦਰਸ਼ਕ ਹੋ ਕੇ ਦੇਖ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਜਿਹੜਾ ਸੁਧੀਰ ਕੁਮਾਰ ਸੂਰੀ ਜੀ ਦੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲੀਆਂ, ਪੁਲਿਸ ਮੁੱਖ ਦਰਸ਼ਕ ਬਣ ਕੇ ਵੇਖ ਰਹੀ ਸੀ। ACP ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਨਮੈਨ ਕੋਈ ਜਵਾਬੀ ਫੈਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਆ। ਸਾਡੇ ਹਿੰਦੂ ਲੀਡਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਹੈ, ਸਭ ਮਿਲੀ ਭਗਤ ਨਾਲ ਆਇਆ ਵਾ।